नमस्कार दोस्तों, उत्तम इंग्लिश स्वर्ण पर शोध करते हैं फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में सीखने वाले हैं व्हाट्सएप फेस इमोजी के सही मतलब। यानी कि दोस्तों हम लोग सोशल मीडिया पे बहुत सारे फेस इमोजी का यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत सारे फेस इमोजी हम लोग जानते ही नहीं हैं, और जानते हैं तो उसका हिंदी मतलब एग्जैक्ट क्या होता है वो नहीं जानते हैं। तो चलिए दोस्तों आपका समय का ज़्यादा न लेते हुए चलते हैं बोर्ड में और 50+ इमोजी को देखते हैं हिंदी और इंग्लिश में। इस तरह का इमोजी को बोलते हैं टमटमाता चेहरा, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको फ्रोनिंग फेस, फ्रोनिंग फेस। नेक्स्ट, ये जो आप इमोजी देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्माइलिंग फेस विथ हार्ट आईज, दिल भरी आंखों वाला मुस्कुराता चेहरा, स्माइलिंग फेस विथ हार्ट आईज। इस तरह का इमोजी को आप जानते हैं इसको बोलते हैं एंग्री, और हिंदी में बोलते हैं इसको गुस्सा। इस तरह का चेहरा को बोलते हैं पाउटिंग फेस, और हिंदी में बोलते हैं इसको मुंह फुलाना। नेक्स्ट, जो आप फेस देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्माइलिंग फेस, मुस्कुराता चेहरा, स्माइलिंग फेस। नेक्स्ट दोस्तों, इस तरह का फेस को बोलते हैं क्राइंग फेस, रोता हुआ चेहरा। नेक्स्ट दोस्तों, इस तरह का फेस को बोलते हैं स्माइलिंग फेस विथ ओपन माउथ एंड कोल्ड स्वेट। ये जो आप इमोजी देख रहे हैं इसको बोलते हैं विंकिंग फेस, आंख मारता चेहरा, विंकिंग फेस। नेक्स्ट, ये जो आप फेस देख रहे हैं इसको बोलते हैं सैड, जब आप सैड होते हैं तो इस तरह का इमोजी आप सेंड करते हैं, सैड। नेक्स्ट दोस्तों, जब आप किसी को मजाक करते हैं तो इस तरह का इमोजी को सेंड करते हैं, तो इसको बोलते हैं गोफाई, यानी कि बुद्धू बनाना या कोई जस्ट मजाक करना, तो इसको बोलते हैं गोफाई। नेक्स्ट, फेस विथ बिगिनिंग आईज, याचना भरी आंखों वाला चेहरा, चेहरा को बोलते हैं फेस विथ सनग्लासेस। यानी कि दोस्तों इस तरह का इमोजी हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग बहुत खुश होते हैं और इस तरह का चश्मा लगा के दिखाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, इस तरह का फेस को इंग्लिश में बोलते हैं फेस विथ स्टॉक आउट टंग, बाहर निकली हुई जीभ वाला चेहरा को बोलते हैं फेस विथ स्टॉक आउट टंग। स्माइलिंग फेस विथ स्माइलिंग आईज, मुस्कुराती आंखों के साथ मुस्कुराता चेहरा को बोलते हैं स्माइलिंग फेस विथ स्माइलिंग आईज। बोलते हैं पीसफुल, यानी कि शांत या शांति, तो जो आप कोई शांत हो जाते हैं तो इस तरह का इमोजी को आप सेंड करते हैं सामने वाले को, तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं पीसफुल। नेक्स्ट, स्माइलिंग फेस विथ हेलो, किसी के लिए दुआ करना या विश करने के लिए करते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलीव्ड फेस, हिंदी होता है राहत भरा चेहरा। नेक्स्ट, इस तरह का फेस जब आप कोई हंसने के मूड में रहते हैं या क्रेजी मूड में रहते हैं तो आप किसी को सामने वाला को सेंड करते हैं, तो इसको बोलते हैं दीवाना चेहरा या क्रेजी फेस। नेक्स्ट, ये जो आप इमोजी देख रहे हैं इसको बोलते हैं अपसाइड डाउन फेस, इसका हिंदी होता है उल्टा नीचे चेहरा, जोर जोर से रोता हुआ चेहरा को बोलते हैं लाउडली क्राइंग फेस, जोर जोर से रोता हुआ चेहरा। नेक्स्ट, ग्रीनिंग फेस विथ स्माइलिंग आईज, मुस्कुराती आंखों के साथ मुस्कुराता चेहरा, ग्रीनिंग फेस विथ स्माइलिंग आईज। नेक्स्ट, जो आप इमोजी देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्केर्ड, यानी कि डरा हुआ, जब आप डर जाते हैं तो इस तरह का इमोजी को आप सेंड करते हैं, डरा हुआ को बोलते हैं स्केर्ड। नेक्स्ट, फेस विथ टीयर्स ऑफ जॉय, फेस विथ टीयर्स ऑफ जॉय, खुशी के आंसुओं से भरा चेहरा, फेस विथ टीयर्स ऑफ जॉय। नेक्स्ट, ये जो आप इमोजी देख रहे हैं इसको बोलते हैं कन्फाउंडेड फेस, जब हम बहुत परेशान दुखी या बीमार होते हैं तो इस तरह का इमोजी हम लोग सेंड करते हैं। नेक्स्ट, जब सामने वाला को हम लोग चुप रहने के लिए बोलते हैं तो इसको यूज करते हैं, इस तरह का इमोजी यूज करते हैं, इसको बोलते हैं ससिंग फेस, चुप रहने के लिए। नेक्स्ट, ये जो आप इमोजी देख रहे हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्माइलिंग फेस विथ ओपन माउथ एंड क्लोज आईज, ये जो आप इमोजी देख रहे हैं इसको बोलते हैं टायर्ड फेस, यानी कि थका हुआ चेहरा, जब थक जाते हैं तो सामने वालों को इस तरह का इमोजी सेंड करते हैं, इसको बोलते हैं टायर्ड फेस। नेक्स्ट, इसको बोलते हैं सॉक्ड, चौका हुआ को बोलते हैं सॉक्ड। नेक्स्ट, ये जो आप इमोजी देख रहे हैं इसको बोलते हैं पेंसिव फेस, चिंतित चेहरा, जब आप दुखी हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं तो इस तरह का इमोजी आप सेंड करते हैं, इसको बोलते हैं पेंसिव फेस। नेक्स्ट, इमोजी देख रहे हैं इसको बोलते हैं डिसअपॉइंटेड फेस, निराश चेहरा। नेक्स्ट, इसको बोलते हैं फेस विथ राइज्ड आईब्रो। नेक्स्ट, सैड होते हैं या चिंतित चिंता करते हैं किसी चीज के लिए तो इस तरह का इमोजी सेंड करते हैं, इसको बोलते हैं वरीड फेस। नेक्स्ट, क्राइंग फेस, रोता हुआ चेहरा को बोलते हैं क्राइंग फेस। नेक्स्ट, ये जो इमोजी आप देख रहे हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्फ्यूज्ड फेस, भ्रमित चेहरा, तो जब हम लोग कन्फ्यूज होते हैं किसी चीज़ के लेके, किसी काम को लेके, तो इस तरह का इमोजी को सेंड करते हैं या यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, बोलते हैं सफरिंग फेस,
पीड़ित चेहरा, यानी कि जब आप कोई बीमार हो जाते हैं या कोई कारणवश आप बेड पे रहते हैं तो इसको बोलते हैं सफरिंग फेस, थोड़ा मुस्कुराता हुआ चेहरा को बोलते हैं स्लाइटली स्माइलिंग फेस। नेक्स्ट, जब हमें किसी पर शक होता है या हम किसी पर भरोसा नहीं कर पाते हैं तो इस तरह का इमोजी सेंड करते हैं, इसको बोलते हैं फेस विथ मोनोसील। नेक्स्ट, तो अगर दोस्तों मेरा वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और घंटी का बेल आइकॉन दबा दीजिए जिसमें हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।